कांग्रेस द्वारा मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में नोटा का बटन दबाने की अपील करने पर भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस उम्मीदवार के आखिरी समय में नाम वापस लेने के बाद इंदौर लोकसभा सीट में नोटा के लिए जोरदार अभियान चला रही है। कांग्रेस के अभियान पर कटाक्ष करते हुए भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने कहा कि कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात कर रही है। कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी होने का दावा करती है और आज यह हालत हो गई है कि वह नोटा पर वोट डालने की अपील कर रही है। कांग्रेस के पास हर जगह प्रत्याशियों का टोटा हो गया है, इसलिए अब यह नोटा पर वोट डालने की अपील कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है। देखिए, कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। जो कांग्रेस दंभ भरती है कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में भी सहयोगी रही है और 100 साल से वो पुरानी पार्टी है, और आज उस पार्टी की ये स्थिति हो गई, घुटना टेक दी है कि वो नोटा की जैसे के लिए अपील कर रही है। और जिस प्रकार से उनके यहाँ पर टोटा हो गया प्रत्याशियों का, इंदौर के अंदर प्रत्याशियों का टोटा है, तभी तो नोटा की बात हो रही है। इनका प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया, खजुराहो में इनके पास प्रत्याशी का टोटा हो गया इनके साथ वालों का, और सूरत में तो इनके कांग्रेस की सूरत भी नहीं बच पाई। हमारे प्रत्याशी निर्विरोध सांसद निर्वाचित हो गए हैं, और पुरी के अंदर भी इनके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी नोटों का उनके पास टोटा हो गया, धन का टोटा हो गया। इसके वो कंगाल लोग बता रहे हैं, पैसा नहीं है, तो सारी जगह पे टोटा ही टोटा है। इस कारण से कांग्रेस की हालत है, और ये बड़ी सोचने वाली दयनीयता की बात है, लाचारी है कांग्रेस। आज जिस लाचारी की स्थिति में पहुंची है, मुझे लगता है जीतू पटवारी जी को और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर आप कहते हो कि मैं सब कांग्रेस लोकतंत्र में सबसे पहले वाली पार्टी है, स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता के समय से काम कर रही है, 100 साल से अधिक का इतिहास बताते हो, और उस कांग्रेस की ये लाचारी और दयनीयता आ जाती है कि उनको नोटा के लिए प्रचार करना पड़ रहा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।